बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल मशीन्स, सो अभी उसको कंटिन्यू रखते हैं। नाउ आज हमारी जो टॉपिक है, हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन्स। ओके, चलें ये देख लेते हैं कि फिर हमें ये भी पता चल गया कि वो कौन है जिसने वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, सो इट वाज सन माइक्रोसिस्टम्स। सन माइक्रोसिस्टम्स एक कंपनी है जिन्होंने जावा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उनका मानना ये था कि जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो लैंग्वेज थी लाइक सी लैंग्वेज, दैट वाज नॉट गुड इनफ, के वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही थी, और वो चाहते थे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम एक मशीन बनाता था, सर्वर मशीन, जिसे स्पार्क बोलते हैं। सो स्पार्क के लिए वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। सो उन्होंने जावा लैंग्वेज उसके लिए मुंतखब की कि इसके अंदर हम डेवलप करेंगे पार्ट सी और पार्ट जावा। सो ये जावा के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, जावा ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, ठीक है। सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर, उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर जो है वो प्रोग्राम को लोड किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो जो प्रोग्राम है उसका मशीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मशीन के साथ कौन डील करेगा? मशीन के साथ वर्चुअल मशीन डील करेगी। सो जावा ने जावा वर्चुअल मशीन का एक कॉन्सेप्ट दिया, और जावा वर्चुअल मशीन क्या करती, वो मशीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके अपने पास रख लेती। सो इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी पड़ती या ऐसी चीज का ख्याल नहीं रखना पड़ता जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड हो। सो उन्होंने ये बोला कि मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, कि क्योंकि ये प्रोग्राम तो रन ही वर्चुअल मशीन के अंदर हो रहा है, तो जहां पर भी जावा की वर्चुअल मशीन चल रही होगी वहां पर ये प्रोग्राम चल सकता है, ठीक है। सो ये उन्होंने कोशिश की ताकि जो प्रोग्राम है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। सो जावा वर्चुअल मशीन इस कॉन्सेप्ट की वजह से बनाई गई थी। सो ये जो जावा की वर्चुअल मशीन थी, ये लीड की, ये आगे बढ़कर ये फिर वहां पे यूज हुई कि वर्चुअल मशीन्स का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वर्चुअल मशीन किस तरह से काम करती है। सो उस इसका जो यानी आप कह सकते हैं कि जो अपर लेवल था वो ये था कि वर्चुअल मशीन लेयर्ड अप्रोच का कॉन्सेप्ट कहाँ पे जाके अपने अरूज पे आया, जब आपने वर्चुअल मशीन बनाई। उन यानी लेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर में तकसीम करने से, डिवाइड करने से आपने उनके दरमियान में एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट की कि एक लेयर दूसरे पर डिपेंड ना हो, तो आपने एक और काम किया। आपके जहन में एकदम से लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट आया, साइंटिस्ट के जहन में, कि क्यों ना हम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक लेयर के अंदर रखते हैं। सो वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जब लेयर के अंदर रखा तो उन्होंने कहा कि ये एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। सो ये एक कॉन्सेप्ट था, तो एक कॉन्सेप्ट को अगले कॉन्सेप्ट के अंदर मर्ज करके तो एडवांसमेंट होती चली जा रही है। ओके, सो कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे आपका एक वर्चुअल मशीन मैनेजर हो, और वो क्या करे, उसके ऊपर आप कई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लें और उसके अंदर कई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लें और अपना काम चलाएं। एक तरीका, आसान तरीका हो जाएगा, हमारे लिए मैनेजमेंट भी इजी हो जाएगी, हमारे लिए एक जगह पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हुए, हमें एक ही लार्ज मशीन लेनी पड़ेगी जो हर चीज को मैनेज कर ले, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इससे। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है सिस्टम डिजाइन गोल्स। अगर इसके अंदर एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर स्टूडेंट्स, तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर एक एग्जांपल ऐसी मौजूद है, लाइक हमने एक यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा हमने किया था कि हमने एक लार्ज, हमारे पास मशीन थी, एक सर्वर मशीन थी,
जिसके अंदर जिसके साथ एक लार्ज सैन जो आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो हम पढ़ चुके हैं। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या करता है कि बहुत बड़ी स्पेस कई हार्ड डिस्क को मिलाकर वो क्या करता है कि वो एक डिस्क के तौर पर आपको शो कर देता है, एक वॉल्यूम के तौर पर शो कर देता है। फिर उस वॉल्यूम के अंदर आप जो मर्जी क्रिएट कर ले, मसलन फर्ज करें आपके पास 200 टेराबाइट्स ऑफ डेटा एक जगह आ जाए, तो आप इतना बड़ा वॉल्यूम, नॉर्मली तो डिस्क इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन कई डिस्क को मिला के आप ऐसा कर सकते हैं। तो सो सेम जो है ये आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। सो वहाँ पे सर्वर मशीन के साथ सैन अटैच कर दें और सैन के जरिए से आप करें, और जो मशीन हमारी होती है जो लेटेस्ट आपकी सर्वर मशीन्स आ रही हैं उसमें कई ब्लेड सर्वर्स आपके आते हैं, उन ब्लेड सर्वर्स के अंदर वर्चुअलाइजेशन ऑलरेडी मौजूद होती है और उसके ऊपर आप जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा कि आपका वी सेंटर सर्वर है आप वहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना वो कर सकते हैं। ये ऐसी जो मशीन होती हैं वो बहुत हाई स्पीड होती हैं, मसलन उनके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उन प्रोसेसर्स के अंदर आपकी जो मोस्टली जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स होते हैं, रियल ऑक्टा कोर, और उसके बाद हार्डवेयर लेवल पे यानी वो ऑक्टा कोर होते हैं, ओके इस तरह। और उसके अलावा जो उनके अंदर कैशिंग होती है, लाइक जो मैंने सर्वर हैंडल किया था उसमें 20 MB की कैशिंग थी विच इन वन प्रोसेसर, और एक सर्वर के अंदर दो प्रोसेसर लगे थे, सो दैट वॉज अ बिग थिंग, सो दैट वॉज वेरी फास्ट सिस्टम। और एंड उसके अंदर जो रैम थी दैट वाज 64 GB ऑफ रैम, सो 64 GB इज बिग रैम। सो एक सर्वर के अंदर और एक जो मशीन थी उस एक मशीन के अंदर 16 सर्वर्स लग सकते थे, सो दैट वाज अ बिग मशीन। सो स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें लैब के अंदर आपको इस तरह की जो पिक्चर्स हैं या वीडियोस के जरिए आपको जो मैंने बनाई हुई हैं वो आपको दिखाई जा सकती हैं ताकि आपको इस तरह की चीज़ों का कॉन्सेप्ट हो, ओके। सो इसको खैर आगे चलाते हैं हम लोग। सो ओके नाउ सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद सम बिग मशीन। सो मैं चाहता हूँ कि आपको एक मशीन के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। सो ये वो मशीन थी जिसके बारे में मैंने आपको वर्चुअल मशीन की बात की थी कि ये इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन के जरिए हम काम करते हैं, इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन है। सो स्टूडेंट दिस बिग मशीन इज M1000E डेल M1000E चेसिस, और इसके अंदर स्टूडेंट्स ये एक सर्वर लगा हुआ है, इसी तरह ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चार सर्वर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, और इसके अंदर 16 सर्वर ऐसे लग सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कराऊँ, सो मैं इस वीडियो को चलाता हूँ और क्विकली इसको मूव करते हुए आपको दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका सर्वर है जो अटैच्ड है, और इस सर्वर के ऊपर अगर से हम थोड़ा सा रिवर्स में चले जाएं तो आप देखिए इस सर्वर के ऊपर स्टूडेंट कहीं पे भी आपको नेटवर्क कार्ड नजर नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क की पोर्ट नजर नहीं आ रही जहां पे हम नेटवर्क कनेक्ट कर सकें। सो ये जो नेटवर्क है वो वर्चुअलाइजेशन के जरिए से इनको अवेलेबल है, ठीक है। सो हम देखते हैं आगे, इसको मैं क्विकली मूव करता हूँ ताकि जल्दी से आप इन चीजों को देखते जाएं। सो ये इतना इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैंने हैंडल किया था, सो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी ताकि ये इंफॉर्मेशन फिर किसी वक्त आप लोगों से या किसी से भी शेयर की जा सके। सो स्टूडेंट्स ये इसका माउंट अनमाउंट करने का मेथड था, ठीक है। सो ये एक वीडियो थी, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और वीडियो इसके अंदर दूसरी नेक्स्ट वीडियो पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो हमारे पास सर्वर है, ठीक है, ये जो सर्वर है ये इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये जो सर्वर हमारे पास है
ये इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं। चलें मैं इस वीडियो के अंदर क्विकली इसके अंदर मूव करता हूँ, ताकि ये देखिए ये हमारे पास सर्वर है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पावर एज का ये सर्वर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ इसका मॉडल नहीं नज़र आ रहा, चलें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये पावर एज M630 सर्वर है, ठीक है, और ये आपको इसका फ्रंट से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मैं इसको क्विकली जल्दी से मूव करता हूँ कि ये बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ है। सो ये देखिए मुख्तलिफ इसके चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, फ्रंट पैनल वगैरह हर चीज़, बैक पैनल, जो जो चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम वापस एक और अपनी वीडियो लोड करते हैं और इसके बारे में मज़ीद देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये देखिए इसको ओपन किया गया है, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया अब सर्वर को, और आप देख रहे हैं कि इस सर्वर के अंदर आपके पास 2 CPUs हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक CPU इसके अंदर लगा हुआ है और यहाँ पे एक ग्रिड है और उसके अंदर नीचे CPU लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 CPUs हैं और ये देखिए ये जो रैम है, ये बहुत सारी रैम इसके अंदर लग सकती है, ठीक है। 64 GB रैम करंटली इसके अंदर लगी हुई है, ये देख रहे हैं। बकिया आप देखें खाली स्लॉट्स हैं, ये CPU 2 है आपके पास, ओके। सो और ये डेल की मशीन है, आप देख रहे हैं कि ये डेल पावर एच 630 मशीन्स हैं, और इसके अंदर ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी 20 MB कैशे हैं और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो ये एक मशीन है जिसके बारे में हम थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर, देखें ये रैम है एंड सो ऑन, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, इसको रैम मुख्तलिफ चीज़ें मैंने टेस्ट करके, लेकिन ये इस हमारी ज़रूरत नहीं है इतनी, सो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली मैं क्विकली दूसरी एक और वीडियो पर आ जाऊँगा। ओके, ये चेसिस है, अब देखिए ये ऑपरेशनल है, वर्किंग है, आप देख रहे हैं ये ऑन है सर्वर। इसकी कनेक्टिविटी देखिए आप, ये जो मशीन है इस फाइबर ऑप्टिक के जरिए से ये इधर स्विच के साथ कनेक्टेड है, और ये स्विच उधर कनेक्ट है, और ये जो चीज़ है ये आप देखिए ये मेरे कंप्यूटर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। और आप ये देखिए कि थोड़ा सा मैं इसको क्विकली अगर चलाऊं तो ये देखिए मैं अपने लैपटॉप के ऊपर इसके ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो CMC का सॉफ्टवेयर है इसका, चेसिस का, इस सॉफ्टवेयर का नाम ID रैक है, इंटीग्रेटेड डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर version 8, इसके थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है, और मैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए से इस के अंदर मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ओके। सो इस सॉफ्टवेयर को मजीद हम डिटेल के अंदर चलें एक चीज और देख लेते हैं थोड़ी सी इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर मजीद एक चीज और दिखा दूं, ओके। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी सो नेक्स्ट हम वीडियो पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर आप देखिए कि ये जो ID रैक का सॉफ्टवेयर है ये आपके सामने है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। इस वक्त करंटली आप देखें ये CPU आपके सामने शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, और यहीं से हम किसी भी चीज़ को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मेमोरी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने शो की है, अब देखेंगे इसने बताई है आपको कि रैम इसके अंदर कितनी लगी हुई है, सो आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो कितने GB के अंदर रैम है, स्लॉट्स कितनी अवेलेबल है एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर आप देखें कि ये जो है आपके पास इस वक्त 10 GB का कार्ड लगा हुआ है और ये सपोर्टेड अप टू 300 GB है। सो इट्स अ बिग थिंग। उसके पीछे एक बैक साइड पे अगर सर्वर के आप देखें तो वहां पर आपको एक पूरा यूनिट मिलता है, पूरा एक आप कह सकते हैं कि एक स्विच मौजूद है, पूरा कार्ड मौजूद है, एक बे जिसे बोलते हैं, उसके अंदर कई आपके पास पोर्ट्स हैं फाइबर ऑप्टिक की जिसके जरिए से आप नेटवर्क कनेक्टिविटी ले सकते हैं। सो आप देख रहे हैं
कि ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की मशीन है और इसको यहीं से मैनेज, अगर मैंने किसी फर्ज करें सर्वर को ऑफ करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा और इसको शट डाउन करूंगा, यहीं से शट डाउन हो जाएगा। और ये मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, आप देख रही है ये इसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं। अगर ये अब सर्वर ऑन है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इसको कुछ भी काम कर सकता हूँ। और अगर कोई क्रिटिकल अलर्ट आएगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा। इस वक्त क्योंकि कोई क्रिटिकल अलर्ट नहीं है, इसका मतलब ये दिस सर्वर इज वर्किंग फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस सर्वर। सो स्टूडेंट्स, आप देख रही हैं कि वर्चुअलाइजेशन जो है वो किस लेवल पे चली गई है। इसके अंदर अब हम अगर इंस्टॉलेशन हमने करनी है तो हम किसी भी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर, अब देखिए जैसे ये लॉन्च कर रहा हूँ मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका जब लॉन्च करूंगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए ये इस पेज के अंदर मेरे सामने इसका ये वाला सर्वर, अब जिस सर्वर को मैंने क्लिक किया उसका इंटरफेस मेरे सामने खुल गया, ठीक है। अब अगर मैं इस सर्वर को मैनेज करना चाहता हूं तो मैं बड़ी आसानी से इसको मैनेज कर सकता हूं। ये आप देखिए मैं अपने लैपटॉप के अंदर से ही मैनेज कर रहा हूँ। सो इसके अंदर अगर मैंने कोई वर्चुअल, ये देखें वर्चुअल कंसोल का वो अब मुझे शो कर रहा है। अब मेरा जो सर्वर है वो यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि डू यू वॉन्ट, अगर मैं इसको चलाना चाहता हूँ तो वो चल पड़ेगा, अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ जो भी इसको। सो आप देखिए ये मेरे सामने मेरा कंप्यूटर आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ तो मैं ये मीडिया को कनेक्ट करके यहीं से इसको इंस्टॉल कर दूंगा। अब देखिए मैं अपने लैपटॉप से ये सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ। सो आप ये नोट कर रहे हैं ना, मैं सर्वर के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की डीवीडी को माउंट करूंगा, ये मेरे लैपटॉप की डीवीडी है, याद रखिएगा, ये सर्वर पे नहीं लगी हुई है। इसको मैं सर्वर पे माउंट करूंगा और यहाँ से इंस्टॉलेशन उधर कर दूंगा, ठीक है। सो बड़ी आसानी से मैं किसी भी चीज को, अब देखिए ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। सो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई सॉफ्टवेयर लूंगा, फर्ज करें ये सॉफ्टवेयर के अंदर मैं चला गया और मैं कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, फर्ज करें ये विंडोज 2012 सर्वर था जो मैंने उस वक्त इंस्टॉल किया था। ये काफी पहले की बात है, अभी तो लेटेस्ट सर्वर्स आ गए हैं, बट ये मैंने इसको कहा है कि ये इंस्टॉल करो। सो आप देखिएगा यहाँ पर आपकी जो इंस्टॉलेशन है दैट विल बिगन, हम जो ही इसको कहेंगे कि इसको, सो मैं इसको थोड़ा क्विक करता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए क्योंकि हमारे पास वीडियो में टाइम शॉर्ट है, ठीक है। सो मैं इसको क्विक करूँगा। आप देखिए ये मेरा जो सर्वर है ये बूट होके, अब देखिए ये विंडोज़ की इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी और ये विंडोज़ की इंस्टॉलेशन यहाँ पर मैंने इसके अंदर की कंप्लीट की, ठीक है। सो अब देखिए ये यहाँ से मेरी वर्चुअल जो सीडी है उससे बूट कर रहा है और बूट करने के बाद मैं इसको स्पेस बार प्रेस करूंगा, आप देखिए ये जो है ना मेरी विंडोज लोड होना शुरू हो गई है, ठीक है। सो आपने स्टूडेंट्स देखा, ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा, स्टूडेंट्स मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता था, सो मैंने एक मुख्तसर सा ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया है ताकि आपको वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ तक इसको रखते हैं। अब मैं इसको मूव ऑन करता हूँ वापस अपनी लेक्चर के ऊपर होता हूँ। सो एक सेकंड के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो वर्चुअल मशीन का इंट्रोडक्शन यहाँ तक रह गया। सो थोड़ी सी मैंने आपको उसकी उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी कि किस तरह से हम वर्चुअल सिस्टम्स के ऊपर काम कर सकते हैं, यहाँ तक के जो हार्डवेयर है उसके अंदर भी अब वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट मौजूद है और वो वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने उसके अंदर विंडोज 2012 सर्वर इंस्टॉल किया था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा वी सेंटर सर्वर, बेसिकली हमारा गोल ये था कि हम सैन के ऊपर, अभी क्योंकि इसके साथ सैन अटैच नहीं हुई थी सो ये वीडियो मैंने दिखाई सैन, क्योंकि वो सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये एक सीक्रेट होती है, सो ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट हम आउट नहीं कर सकते। दिस वॉज अ टेस्ट थिंग, सो मैंने आपसे ये टेस्ट वाली थिंग जो है शेयर की है। सो जो वी सेंटर सर्वर वाली चीजें हैं वो मैं शेयर नहीं कर सकता। सो वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ कि वो हमने जब इंस्टॉल किया था तो वो कैसे किया था, क्योंकि उसके अंदर हमने रियल आईपीज और रियल चीजें लगाई थी, सो दैट कैन नॉट बी शेयर्ड। सो दैट इज अ पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम डिजाइन गोल्स।
ठीक है। और हम देखते हैं कि सिस्टम डिजाइन गोल्स को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, इसको इंशाल्लाह हम अभी इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट के अंदर सिस्टम डिजाइन गोल्स को हम करके और ये कंप्लीट करते हैं। ओके सो या चलें इसी के अंदर ही स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सिस्टम डिजाइन गोल्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले सिस्टम डिजाइन गोल्स ये होते हैं कि हमने किस बेस पे सिस्टम को डिजाइन करना है और हमारे गोल क्या होने चाहिए। ठीक है, सो गोल्स क्या हो सकते हैं कि हमें स्पेसिफाई करना है डिजाइन, हार्डवेयर हमने देखना है कि कौन कौन से हार्डवेयर की सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगी, रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि गोल्स क्या यूजर्स जो डिजायर कर रहे हैं वो गोल इंपॉर्टेंट है या प्रोग्रामर के जो डिजायर्ड गोल्स हैं वो कौन से हैं। सो ये दो तरह के गोल्स होते हैं, बात चीजें यूजर तो रिक्वायर कर रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता, और कई चीजें जरूरत होती है सो जो कि डिजाइनर्स को या प्रोग्रामर्स को पता होती है। सो इन दोनों गोल्स की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। लाइक यूजर क्या कहेगा, यूजर कहेगा सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट एंड इजी, वो इजी टू यूज मांगेगा, वो कहेगा इजी टू लर्न, रिलायबल हो एंड फास्ट हो। सो यूजर की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, बट प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा होती है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इजी टू डिजाइन हो, इंप्लीमेंट टेशन उसकी इजी हो, मेंटेनेंस उसकी और ऑपरेट करना उसको आसान हो, इट शुड बी फ्लेक्सिबल हो कि उसको फ्लेक्सिबल हो, उसके अंदर चेंजेस की जा सके और वो हार्ड ना हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई चेंज करना चाहे तो वो ना कर पाए, रिलायबल हो यानी उस पर रिलाय कर सके, ये ना हो कि हम उसको कहें 2+2 करो तो वो 4 की जगह 5 हमें आंसर कर दे। सो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, जो काम उसको कहा जाए एग्जैक्टली वही परफॉर्म करे, एरर फ्री हो एंड एफिशिएंट हो, ये सारे चीजें हैं, बट ये जो चीजें हैं ये यूजर नहीं मांगेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि प्रोग्रामर डिजाइनर्स तो कंसीडर करेंगे लेकिन यूजर नहीं मांगेगा, यूजर नहीं कहेगा कि मुझे सिक्योरिटी लगा के दो, अनलेस के वो एक लर्न यूजर है या बहुत अंडरस्टैंड करने वाला यूजर है। ओके सो स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज ये है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के लिए कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं और पॉलिसीज होती हैं। मैकेनिज्म क्या कहते हैं, डिटरमिन हाउ टू डू समथिंग, कोई चीज कैसे करनी है वो मैकेनिज्म है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फर्ज करें फाइल एक कॉपी करनी है, हाउ वी कैन कॉपी अ फाइल, दिस इज अ मैकेनिज्म, ये एक तरीका, एक उसके लिए पॉलिसी डिसाइन करनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये काम करेगा। ओके, डिसाइड व्हाट विल बी डन, ठीक है। सो मैकेनिज्म डिटरमिन हाउ टू डू समथिंग एंड पॉलिसीज डिसाइड व्हाट विल बी डन, ठीक है। सो पॉलिसीज कहती है कि क्या करना चाहिए, पॉलिसीज और मैकेनिज्म्स के तहत हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। ओके, यानी हम कहेंगे कि टाइमर यूज इन सीपीयू प्रोटेक्शन, कि क्या टाइमर यूज होना चाहिए इज अ मैकेनिज्म, ये एक तरीका, एक आर, एक मेथड है कि सीपीयू किस टाइमर को यूज करेगा, क्या एज को यूज करेगा या लेवल सेंसिटिव को यूज करेगा, किस को यूज करेगा, ये उस हार्डवेयर लेवल पे ये डिसीजन करना पड़ेगा, तो ये एक मैकेनिज्म है। एंड द टाइम टू बी सेट फॉर अ पर्टिकुलर यूजर, एक यूजर को टाइम क्या मिलेगा या उसको टाइम क्या मिलना चाहिए, ये एक पॉलिसी है कि एक यूजर को सीपीयू का इतना टाइम मिलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इसके बाद दूसरे यूजर के ऊपर स्विचिंग करेंगे। सो ये एक पॉलिसी है। सो पॉलिसी और मैकेनिज्म के जरिए से इनको डिफाइन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ओके ओके, मैकेनिज्म एंड पॉलिसीज शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली, इन दोनों को अलग-अलग से करना पड़ता है, अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो क्योंकि ये डिफरेंट चीजें हैं। एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पॉलिसीज डू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ पॉलिसीज चेंज होती जाती हैं, कि मसलन किसी यूजर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो उसको टाइम ज्यादा दिया जाएगा, किसी उसके प्रोसेस को अगर उसका नहीं हुआ तो फिर टाइम किसी टाइम पे उसको नहीं दिया गया, किसी टाइम पे ये भी किया जा सकता है कि यूजर के प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाए, ये भी चीजें। सो देयर कैन बी पॉलिसीज कैन चेंज, ठीक है, और प्लेस टू प्लेस, बट मैकेनिज्म रेयरली चेंज, मैकेनिज्म नहीं चेंज होते। मसलन फाइल को कैसे कॉपी करना है, ये सीपीयू के अंदर आपने कौन सा यूज करना है, क्लॉक कौन सी यूज करनी है, एज सेंसिटिव है, लेवल है, कौन सी यूज करनी है, ये फिक्स्ड है, इसको नहीं चेंज करेंगे आप, ठीक है। मैकेनिज्म आप चेंज नहीं करते, पॉलिसीज चेंज करते हैं। सो
सो ये आप देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सो जो चीज चेंज होती है उसके मुताबिक आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि वो बाद में चेंज की जा सके। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग, ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। जब सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हो गया, तैयार हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना है किसी लैंग्वेज के अंदर करना है, ऑब्वियसली उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज भी यूज होगी, उसके अंदर सी लैंग्वेज भी यूज होगी एंड सो ऑन। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने यूज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन के लिए। जैसा कि मैंने आपको कुछ पहले सोलैरिस की एग्जांपल दी थी कि सोलैरिस जो सन माइक्रोसिस्टम है, उन्होंने वो सोलैरिस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था तो उन्होंने जावा लैंग्वेज को चूज किया कि इसके अंदर कुछ चीजें हम बनाएंगे ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हमारी मशीन जो स्पार्क है, स्पार्क मशीन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम सोलैरिस बनाया गया था वो एक एफिशिएंट हो। सो स्पार्क मशीन के ऊपर सबसे एफिशिएंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दैट विल बी सोलैरिस। ओके, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे तो वो मे बी वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, ऐसा सन माइक्रो सिस्टम वाले कहते हैं जिन्होंने स्पार्क की मशीन बनाई है। सो स्पार्क के सर्वर्स अवेलेबल हैं और सन के सिस्टम कई जगह यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिलिट्री हॉस्पिटल को हम कह देते हैं, जैसे रावलपिंडी में एमएच हॉस्पिटल है वो यूज कर रहा है इसको। सो उनका सॉफ्टवेयर भी सन का ये यूज कर रहे हैं, उनके सिस्टम्स इनके पास अवेलेबल हैं। सो जो इनकी लैब्स हैं डायग्नोस्टिक्स वगैरह के लिए ये चीज़ें यूज करते हैं, ऑल्दो के वो विंडोज भी यूज करते हैं, बट बहुत मेन जो उनका सर्वर है वो आपका सन माइक्रो सिस्टम का यानी स्पार्क मशीन है और उसके अंदर सोलैरिस इंस्टॉल्ड है। ओके, सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उसकी कोडिंग हो गई, सारा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज सिस्टम जनरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो हम देखते हैं कि सिस्टम जनरेशन क्या चीज है। सिस्टम जनरेशन स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज है जो ये कहती है, ये डिसाइड करती है कि जो सीपीयू है या ये डिवाइसेस जो हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर डिफरेंट होता है ना, सो आपने क्या करना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने माइक्रोसॉफ्ट से फर्ज करें विंडोज ले लिया, आपने खरीद के अपने पास रख लिया और अब आप उसको इंस्टॉलेशन करना चाहिए। ओके, इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो ये सिसजेन जो है ये ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये सिसजेन से सिस्टम जनरेशन से मतलब ये है कि अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिजाइन हो गया, अब मैंने उसको किसी स्पेसिफिक मशीन पे इंस्टॉल करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, उस स्पेसिफिक मशीन के ऊपर कंपाइल होगा और प्रोग्राम जो है रेडी टू यूज होगा उस मशीन के मुताबिक, याद रखिएगा। इसीलिए आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आते हैं तो उसको कॉपी नहीं करते अपने कंप्यूटर में, बल्कि उसको इंस्टॉल करते हैं। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो आपके हार्डवेयर को चेक करते हैं। मसलन वो देखते हैं कि सीपीयू का टाइप कौन सा है, मेमोरी कौन सी लगी हुई है, डिवाइसेस कौन सी लगी हुई है, कौन कौन सी ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं, इन सब चीजों को देखता है सिस्टम और उसके मुताबिक प्रोग्राम को कंपाइल करके वहां पे कॉपी करता जाता है आपकी हार्ड डिस्क में, जिसे आप सिस्टम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और ये सारी चीजें उसके अंदर वो सेट करता है। ओके, सो सिस्टम जनरेट होता है यानी सिस्टम को जनरेट किया जाता है ताकि आपकी मशीन के मुताबिक वो काम करे। जब वो आपकी, और अगर फर्ज करें कोई ऐसी चीज आपकी मशीन के अंदर कोई चीज मौजूद है और उसका ड्राइवर जो है सिसजेन के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज तो मौजूद नहीं होगी, कुछ अगर फर्ज करें नहीं मौजूद, तो आपको बाद में वो कहीं से डाउनलोड करके उसके ऊपर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जब आप विंडोज या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो कई ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल नहीं होते और आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं वो ड्राइवर्स और फिर इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और देन आपके सिस्टम के अंदर जो आपका हार्डवेयर है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। लाइक अगर डिस्प्ले अडॉप्टर का ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है तो डिस्प्ले आपका प्रॉपर नहीं आएगा, ब्लर आएगा, सही नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिस्प्ले अडॉप्टर होगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर फर्ज करें मैं मल्टीमीडिया के ऊपर अपना सिग्नल ट्रांसफर करना चाहता हूं तो वो नहीं होगा, उसके अंदर वो ऑप्शन मौजूद नहीं होगी।
जब मैं डिस्प्ले अडॉप्टर का ड्राइवर इंस्टॉल कर दूंगा, देन मैं अपना सिग्नल को ट्रांसफर कर सकता हूं किसी और डिवाइस के ऊपर. ओके, सो ये सारी चीजें हैं. ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज सिस्टम जनरेशन अप्रोचेस, कि वो कौन कौन सी अप्रोच है. अब अगर सिस्टम हमने करना ही है तो हमें कैसे करना चाहिए, हमें वो सारी चीजें मालूम होनी चाहिए. ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर एक ऑप्शन ये है कि सोर्स कोड ऑफ ओएस इज मॉडिफाइड एंड ओएस इज कंप्लीटली कंपाइल्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्राइब सिस्टम. जो आपके पास सिस्टम है ना, उसके मुताबिक उसको कंप्लीटली फुली टेलर्ड सिस्टम आप बना करके उसको प्रॉपरली कंपाइल करके बस उसको इंस्टॉल कर दें. ठीक है, तो एक अप्रोच ये है, एक एक्सट्रीम आपकी ये है. दूसरी एक्सट्रीम क्या कहती है, वो कहती है नहीं, ऐसा करें कि सिस्टम की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐसा होती है कि वो आपकी उसको आप डिस्क्राइब करें सिस्टम को, और उसके मुताबिक आप सिस्टम के मुताबिक आप उसको लोड कर दें, और जो मॉड्यूल्स दीज मॉड्यूल्स लाइक इसको कुड कॉज द क्रिएशन ऑफ टेबल्स एंड द सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स फ्रॉम द प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरी. ठीक है, दीज हमारे पास प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज को हमने पहले ही कंपाइल कर रखा है, उनमें से कॉपी करते जाते हैं मॉड्यूल जिन जिन की जरूरत है. दीज मॉड्यूल वुड बी लिंक्ड टू फॉर्म द जनरेटेड ओएस. सो ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं जो प्री कंपाइल्ड हैं, यानी हमें जब इंस्टॉल करें उस वक्त ना कंपाइल करें, बल्कि पहले से कंपाइल करके रख लें और उसको कॉपी कर लें, जो कि जिनका मशीन से इतना ताल्लुक नहीं है. सो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को का जो सिस्टम जनरेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. सो ये एक और अप्रोच है, ये सेकेंड अप्रोच ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड ये हो गई. सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की तरफ हम आ जाते हैं. थर्ड अप्रोच क्या कहती है, थर्ड अप्रोच ये कहती है द कंप्लीट टेबल ड्रिवन सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड. एक टेबल ड्रिवन सिस्टम कंस्ट्रक्ट करें, ऑल द कोड वुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. सारा का सारा कोड, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, सारे के सारा इंस्टॉल कर दें. ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ी स्पेस ले लेगा. द सिलेक्शन वुड ऑकर एट एक्सट्रैक्शन टाइम, नॉट एट द कंपाइल और लिंक टाइम, अनदर एक्सट्रीम. सो हम सारा का सारा कोड वहां रख दें, और जिस कोड की जरूरत हो वो उसके अंदर एम्बेड हो जाएगा, यूज हो जाएगा. और सो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं, मुख्तलिफ लोग इनको यूज करते हैं. सो इट्स ओके, जो जैसा यूज करता है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है. ठीक है, द मेजर डिफरेंसेस अमंग दीज अप्रोचेज आर द साइज जनरेलिटी ऑफ द जनरेटेड सिस्टम एंड द ईज ऑफ मॉडिफिकेशन एज द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस. कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है आपको इंस्टॉल करना. ठीक है, साइज कितना बन जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद. अच्छा, उसके बाद क्या है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम और बूटस्ट्रैप लोडर. ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा ये प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा, ये वो प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड करता है. ठीक है, सो ये बूट लोडर जो है ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है. जैसे आपको मे बी मैं बताने के लिए सिर्फ इतना बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर एंटी के नाम से, एंटी एलडीआर के नाम से, एंटी लोडर के नाम से लोडर होता है, मॉड्यूल होता है, लोडेबल मॉड्यूल्स होती हैं, बाकी ये वो लोड करता है. ठीक है, इसी तरह अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के अंदर लाइलो के नाम से एक बूट लोडर होता है. इसी तरह लाइलो जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है. इसी तरह ग्रब के नाम से, जी आर यू बी ग्रब के नाम से एक ग्राफिकल बूट लोडर होता है, जो कि लिनक्स या यूनिक्स को लोड करता है. सो ये दो तीन किस्म के जो बूट लोडर्स थे उनकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया. सो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, बूट को लोड करता है, प्रोग्राम को जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता है. ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप को लोड नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम होता है. सो और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, वो लोकेट करता है कि कर्नल कहाँ पड़ा हुआ है. ठीक है, उसको कर्नल चाहिए होता है, जब वो कर्नल को लोड करता है बस आगे काम कर्नल ने संभाल लेना होता है, आगे बूट लोडर का कोई काम नहीं होता. ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली स्टार्ट आपका होता है कर्नल से, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए उसको बूटस्ट्रैप प्रोग्राम या बूट लोडर आप बोल देते हैं. ठीक है,
लोड्स इट इन टू द मेन मेमोरी एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन. ओके, सो ये इस तरह से वो बाइट बाय बाइट उसको एग्जीक्यूट करता जाता है. सो ओएस इज मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय द हार्डवेयर एंड यूजर्स. ओके, सो ये सारा प्रोसीजर है. होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके अंदर बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह भी मैंने दे दी, डिटेल से आपको समझा दिया इंशाल्लाह. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम देखेंगे, उसमें हम लोग जो है प्रोसेसेस को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी लेक्चर 8, वीक 4 लेक्चर 8, और प्रोसेसेस और ये चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. और उस प्रोसेसेस के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस की शेड्यूलिंग, ऑपरेशंस उसके प्रोसेसेस के हैं, और उसमें इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम देखेंगे कि ये जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं इनके दरमियान इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, और कम्युनिकेशन हम देखेंगे इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम. सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ओके.